मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों सफल हुई? ये सरकारें कोई परिवार के लिए नहीं चलती, ये सरकारें कोई व्यक्ति के लिए नहीं चलती है, किसी व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलती है, अंत्योदय के रास्ते पर चलती है। विकास की कतार में जो अंतिम खड़ा है, उसको विकास की कतार में जो पहला खड़ा है उसके साथ ला दो, उसी को अंत्योदय कहते हैं। इसलिए विकास अपने आप हो जाता है। गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, रोजगारी की उपलब्धि क्या है, ड्रॉप आउट रेशियो को कम कर देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना, 24 घंटे बिजली देना, ये सारी चीजें कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाकर लिख लो, नई बनी है या पुरानी है, इसके लिए समयानुकूल परिणाम जरूर। अगर सरकार नई है तो शुरुआत हुई होगी, पुरानी है तो परिणाम आ चुके होंगे। और मुझे आपको कहने में कोई झिझक नहीं है, सारे आंकड़े साइट्स पर अब मिलते हैं, भारत सरकार की साइट पर भी हर राज्य के आंकड़े होते हैं, नीति आयोग की साइट पर भी होते हैं और राज्य सरकारों की साइट पर, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो तीसरा मापदंड था कि सरकारें कौन अच्छी चला, तो सरकारें अच्छी चलाने के मामले में भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें अच्छी चला रही है।